मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था तामीर चार दीवारी शहर खामोशा, और फिर मैंने उसको इतना ज़्यादा पूरे ज़िले में एक्सटेंड किया कि फिर वो मेरी पहचान बन गया कि ये शख्स मुर्दों को चार दीवारियां फराहम करता है। कुंड सरगाना तीन दरियाओं का संगम है। चूंकि देही इलाका है, यहाँ लोगों का माल मवेशी एक जरिया मुआश में से एक है। ये वो गांव है कि जिसमें अमन आमा को बरकरार रखने के लिए एक मुसलसल जद्दोजहद का सिलसिला हमने शुरू रखा हुआ है। जब 2 जनवरी 2017 को मैं चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना, इब्तदाई दिनों में ही लोकल काउंसिल की GIZ के तवसत से पहली मीटिंग लाहौर में हुई थी। रफ्ता रफ्ता मीटिंग्स होती गईं और हमें आगाही मिलती गई एसोसिएशन है क्या और एसोसिएशन ने करना क्या है। जब लोकल काउंसिल एसोसिएशन बनी, इसमें सबसे बड़ी तो इसकी अचीवमेंट ये है कि इसने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो एक दूसरे के पास बैठना भी गवारा नहीं करते, इस एसोसिएशन के जरिए वो एक टेबल पर आए। ख्वातीन को एज सच प्रायोरिटी नहीं दी जाती किसी भी फील्ड में, स्पेशली इन पॉलिटिक्स। मर्द नहीं चाहते कि कोई औरत बोले। लोकल काउंसिल एसोसिएशन का जो मुझे बेस्ट थिंग लगती है वो ये है कि उन्होंने इक्वल पार्टिसिपेशन दी हुई है ख्वातीन को। प्रॉपर उन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है जस्ट फॉर द सेक ऑफ एम्पावरिंग द वीमेन। मकामी हुकूमतों के ज़रिए हम ग्रास रूट लेवल तक इक्तदार को मुंतकिल करके ही इस मुल्क को तामीर और तरक्की की तरफ लेके जा सकते हैं। क्योंकि गली महल्ले के मसाइल, एक कम्युनिटी के मसाइल, उनको बेहतर अंदाज से वहाँ का रहने वाला नुमाइंदा ही समझ सकता है और वो बेहतर अंदाज से उस इलाके के रहने वाले लोगों की नुमाइंदगी कर सकता है। हमने अपना ये वतीरा बनाया हुआ है कि हम सुबह को जो अफराद यहाँ मौजूद होंगे उनसे मिलेंगे, उनके मसाइल को जानेंगे और उनके हल के लिए कोशिश करेंगे। MNA MPA ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਮਿਲਦਾ ਇਹਦਾ, ਯੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹ ਥਾਂ ਦੇ ਆ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਪੈਦਲ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਥਾਣਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਥਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਆਤੇ ਹੈ ਜਿਸਮੇ ਇਦਾਦ ਮੇਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਜਾਤਾ, ਉਸਮੇਂ ਯੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਤੀ ਹੈ ਹਮ ਖਵਾਤੀਨ ਕੋ अपने बुज़ुर्गों की जायदाद में मुनासिब हिस्सा दिलवाने में किरदार अदा कर सकें। इसी तरह चाइल्ड मैरिजेस के हवाले से काफ़ी हद तक वो कंट्रोल किया जा चुका है। हमारे इस हलका में जहां मौजूद हैं, इसमें एक हायर सेकेंडरी स्कूल मौजूद था। आप यूँ समझें कि 1905 से लेकर 2010 तक वो प्राइमरी स्कूल ही रहा। मेरे वाले साहब ने फोकस किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इसके ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद करना है, तो उन्होंने एजुकेशन प्रमोशन का सिलसिला शुरू कर दिया। उन्होंने स्कूल्स को अपग्रेड करवाना शुरू कर दिया ताकि निचली सतह तक लोगों को तालीम की सहूलत फौरी दस्तियाब हो सके। अगर बंदा तलवे निचले सतह पर तरक्की चाहता ना जी, तो वह इन इदारों के जरिए हो सकती है जी। इन्हों फाल करें, इन्हों बाख्तियार करने, इस अपने साडे मुल्क दे भी साडे इलाके दे भी तरक्की हो सके। पूरी दुनिया के अंदर जो
लोकल गवर्नमेंट्स को मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए काम करने वाले अदारे हैं, उनको लोकल काउंसिल एसोसिएशन की सरपरस्ती करनी चाहिए। हमें ये चाहिए कि ये एक न्यूट्रल एजेंसी है, इसको प्रमोट करें, जो भी हुकूमत वक्त वो प्रमोट करें, जो मेंबर्स हैं वो डोनेशंस दें। तो मुझे उम्मीद है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग जो हैं वो इसकी अफादियत को समझेंगे और इसको एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन समझते हुए सिलसिले को आगे लेकर चलते रहेंगे। लोकल काउंसिल्स के प्लेटफॉर्म से ये कोशिश है कि इदारे बहाल हो जाएँ ताकि तरक्की का वो सफ़र जो शुरू हुआ था और हम उसको अभी जारी रखे हुए थे जारी हो सके। एक मैंने शेर लिखा था और इसको आज के इसमें बलदियाती इदारों से भी रिलेट किया जा सकता है। खूब भटका हूँ रात भर तन्हा, मैं जो करता रहा सफ़र तन्हा, फिर हवादिस की जद में आया है पूरी दुनिया में मेरा घर तन्हा।